सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ और ये सोच के कि हाँ भी जल्दी निकलेंगे, जो प्रोग्राम है आज का प्लान है, लेकिन बताना मुझे पड़ रहा है कि प्लान क्या है, मिलना कितने बजे। भाई साहब दोनों के दोनों घर पे बैठे हुए हैं अभी तक, और अभी तक आया कोई नहीं है मेट्रो स्टेशन, और मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नवादा पे, और अभी गौतम का इंतजार हो रहा है कि वो कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो बेसिकली अभी वो घर पे फ्रेश हो रहा है, तो उसको होपफुली मतलब मुझे लगता है कि आधा घंटा भी लग सकता है, तो थोड़ा सा टाइम तो भाई कुछ भी प्लान बनाओ कुछ ना कुछ देर होनी होनी है, और एक बार ये आ जाता है तो फिर इसके 2-4 मुक्के भी घुसाएंगे पेट में। अब भाई साहब गौतम को तो फ़ोन मिल नहीं रहा है, और अब मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ मतलब मेट्रो स्टेशन पे पानी वानी की जुगाड़ के लिए। तो अभी बताओ हम जहाँ जा रहे हैं। तो भाई साहब आज हम जा रहे हैं वेनम 2 देखने, सुबह के बज चुकी हैं 11 और अब हम जा रहे हैं भाई मूवी देखने। सुबह 8 बजे मिलने का टाइम था, तो भाई साहब 8:15 पे आए हैं, कोई टाइम की वो वैल्यू नहीं है। होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात। बाल ऐसे बना के हैं जैसे साउथ मूवी के गुंडे हैं पूरे, ऐसे बाल अच्छे नहीं लग रहे दोस्तों मेरे। वो क्या नाम है उसका मूवी का? अपरिचित। तुम बड़ी मेहनत के बाद हम जनकपुरी उतर चुके हैं। बड़ी मेहनत के बाद हमने कोई भी मेहनत करी मेट्रो हमने ढूंढा है। हम खड़े होके आए हैं ना यहाँ पे, तो अब ढूंढा जा रहा है मुकुंद जी को कि मुकुंद जी कहाँ खड़े हैं। मुकुंद जी की नहीं, मैं फोन करता हूँ। फोन करिए। कहाँ, कौन से मॉल के? अच्छा सिनेमा हॉल कहाँ खड़ा है? खुलगी टिकट खुलगी। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ये सड़क है, और सुबह का टाइम है 8 बज रहा है, यहाँ कोई परिंदा नहीं है, और सबसे हॉन्टेड सड़क मानी जाती है सुबह 8 बजे के करीब। तो इसके आगे का हमारे गौतम जी बताएंगे। दारू पी जाती है भाई साहब यहाँ पे, झूठ बोल रहा है एक नंबर का बंदा, ये खुद दारू पीने आया लेकिन सुबह के बज रहे 8। सॉरी घर वाले देख रहे, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला था। सोमरस हेलो, हाँ कहाँ है भाई? हाँ हेलो, कहाँ पर है? BTW बिट्टू टिकी वाला। अबे पागल वागल है क्या तू? क्यों क्या हो गया? जब हमने तेरे को बोला भाई हम यहाँ आ रहे हैं। अरे तो मेरे को नहीं है यहाँ पे, तो यहीं से निकलेंगे ना, तुम कहाँ पहुँचे? तू रहने दे, अब हम तेरे सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हैं भैया। अरे तुम निकलो कहाँ से? निकलूँ कहाँ से, इतना बड़ा रास्ता है कहीं से भी आ जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ बोले, बोल तो क्या बोल, तो आ रहा हूँ वहीं पे, और ठीक है बा आ जा। अबे भाई यहीं खड़े हम, तो दूर से दिख जाएगा गौतम पिछवाड़ा दौरा होगा अपना। ऐसी मार मारूंगा कि भिखारी भीख नहीं देगा। लोग अगर नहा धो के आए तो भाई साहब की शक्ल देखो, बिना नहाए बताता हूँ, ध्यान से देखो, झूठ बोलता है। नहाने की बात इस पे सच लग रही है? पहली चीज जय झूठ। ओ भाई साहब एंट्री हो गई है, ये एंट्री हो गई है जी। नहीं खुशी तो मैंने कभी नहीं देखी आज, पहली बार दोस्तों के साथ मूवी देखने आए हैं, तो खाली है पूरा। हाय बॉयज व्हाट्सअप, अभी तो खुला भी नहीं है भाई। तो अभी यहीं बैठते फिर हम, कोई भी तो नहीं है भाई। H11 H7 और H9 H9 H7। मूवी स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में, और मजा आएगा, मजा। 1.5 घंटे की पूरी मूवी देख चुके हैं अब हम, बड़ा मजा आया। मास्क कहाँ है आपका? आपका कहाँ है? मेरा भी है। मेरा भी है। नहीं लगाऊंगा।
तो वैसे फिल्म कैसी लगी? वैसे एक बात है, मेरे को बहुत बढ़िया लगी फिल्म, और पहली बार एकदम बढ़िया भाई साहब। बॉलीवुड तो कहीं आता जाता ही नहीं है इस मामले, मतलब पूरी बार कुछ है ही नहीं, बॉलीवुड तो कहीं टिकता ही नहीं भाई हॉलीवुड के मामले में। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूंगा, जिए और जीने दे, ये कैमरा लेके हर जगह ना व्लॉग 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 बनते रहने चाहिए ना। बिचारा ना मास्क हटा लिया, दिखना चाहिए। तो अभी हम दोनों ही हैं सिर्फ, अब आपको दिख रहा होगा हम खड़े, हाँ, पर हम चल रहे हैं, चल रहे हैं। सोची कैसे सारा मोड खिला दिया, अच्छा चैलेंज दे रहा था मैं। सही बात, बाकी यहाँ गौतम अभी फ्रेश होने गया हुआ है। देखो हम अभी फालतू बात ही करेंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि व्लॉग में बोले क्या, ठीक है? तो इसको समझ नहीं आ रहा मेरे को, आ रहा जो भी से लगे वो ये काट टूट के डाल रहा है। और हमारे पुराने व्लॉग देखो, मैं इनके चैनल पे जो मस्त चले हुए हैं, मजा आ जाएगा। और बहुत जल्दी के घूमने जाने वाले हैं, तो वो बता दिया जाएगा मयंक जी की तरफ। आपको कहीं कहीं कोई फार्म वार्म है? यहाँ टी शर्ट देखी जा रही है, कपड़े देखे जा रहे हैं। ट्राई करके देख, कर ट्राई कर। ओ भाई साहब, पहनने से पहले ही पता चल गया कैसी लगेगी ये, गजब। अबे बढ़िया है, कसम से बढ़िया है। अरे तो लॉट जो मर्जी हो ले लेना, पूछ ले ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। बढ़िया लग रही है, और क्या। ये इसी लॉट का ही है भैया, देखा इस पे कुछ है नहीं भैया, इस पे भैया कुछ नहीं लिखा हुआ, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ। सही बात है, 1200 की मेरे को लग रहा है और महंगी बताएंगे। ऑफिस खुले ना खुले, हमारे कपड़े अपनी पसंद के होने चाहिए ना कपड़े। तो नहीं यार, ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, वो अच्छी लग रही, ये अच्छी नहीं लग रही, सही बता रहा हूँ मैं। ये जो वो अच्छी लग रही थी ना, ये सूट नहीं कर रही। ना ना ना, ये बेकार है, इतने सारे कपड़े देख लिए लेकिन पसंद हमें कुछ भी नहीं आया, मतलब बेसिकली प्राइस पसंद नहीं आया। प्राइस तो पसंद आया, ठीक है, रेंज भी ठीक है, ये ना ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन साइज नहीं, हाँ, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है ना, इसलिए हमने ऑप्शन अपनी तरफ से रखा है कि ऑप्शन नहीं है। तो अभी अभी मैं घर पे आ गया हूँ, और अभी भी भागम भाग लगी रही पूरे दिन। तो वैसे अब सीधा मैं लक्ष्मी नगर जा रहा हूँ किसी। तो जी, लक्ष्मी नगर में उतर चुके हैं मेट्रो स्टेशन से, तो अब सीधा घर की ओर निकल रहे हैं। हम मौसी के घर आए हुए थे आज, मतलब मौसी के घर आया हूँ क्योंकि कल कहीं घूमने का प्रोग्राम है। तो कल जो घूमने का प्रोग्राम है उसका व्लॉग अलग ही बनेगा, पहले मैं घर पहुँच जाता हूँ, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो घर पर जाके हो सकता है डांट वाट भी खानी पड़ जाए, और अभी भी खाना भी बनाना है मेरे को, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बोली थी हमने घर पर कि हम अपने हाथों से बना के खिलाएंगे सबको। तो घर पहुंच के देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो बेसिकली सुबह सुबह यहाँ से निकलना है, इसलिए यहाँ आना पड़ा हमें, क्योंकि यहीं से निकलना पड़ेगा हमको। तो भैया आ चुके हैं हम घर पे, तो हम तो लिफ्ट से जाएंगे। तो रोज रोज तो लिफ्ट इस्तेमाल होती नहीं है, तो इसलिए मैं लिफ्ट से आया हूँ। व्लॉग भी एडिट करना है, कब तक जागना पड़ेगा कुछ नहीं पता, और अभी तो सब्जी भी बनानी है। तो चेंज, कपड़े चेंज कर लिए हमने,
तो फाइनली खाना बनाने का टाइम होने वाला है, मतलब बाजार से भी मेरे भाई लेकर आ रहा है खाना, सॉरी मेरे दोनों भाई बाहर गए हुए हैं बाजार में, तो वो खाना लेकर आ रहे हैं। और एक यहाँ पे हंसी आ रही है ब्लॉगिंग देखते हुए, तो जैसी पनीर की सब्ज़ी बनती है सिर्फ शक्ल ही दिखाऊंगा, पनीर बनते हुए तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं बिज़ी भी रहूँगा बनाते समय, तो व्लॉग बन नहीं पाएगा, बस शक्ल दिखा दूंगा, तो शक्ल देख के खुश हो जाना। तो वैसे तो टेस्ट पूरी पूरी उम्मीद है सबको बढ़िया टेस्ट आए। ओके जी, हाँ जी, ओके बढ़िया या अरे नहीं दिखा रहा, मेरी तरफ ही कैमरा है। अरे क्योंकि हमने जब खाया था ना मैं नाम नहीं पता था उसका। ये तो चाप लाए हो। तो ये क्या है? चाप है? मोमोज है, मोमोज। मोमोज ग्रेवी वाले। तंदूरी ग्रेवी। ये भी तंदूरी ग्रेवी। ये क्या है? ये भी तंदूरी ग्रेवी मोमोज। दो प्लेट लाए थे ना, चटनी है इसकी, तीनों के लिए आधी। पनीर की सब्जी बनाने का टाइम आ गया है। फ्रिज खोले, सबसे नीचे ट्रे होगी, वो सबसे नीचे जो बकेट है उसमें आलू प्याज होंगे। ये ठीक है, पनीर बनाने का टाइम आ गया है तो पनीर बनाते हैं। ये देखो टॉप फ्लोर पे उठा के लेकर आए हैं मेरे को ये। अरे ये कंजू पंडे भी है। अरे भैया पूरा लक्ष्मी नगर दिख रहा है यार यहाँ से, तो वो इधर की तरह वो है B3S का वो स्कोप मिला, और पीछे वो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, पीछे वो जैनी का मंदिर। ओ भैया तू पिंक कलर का चाहिए भैया। बाकी अगर किसी को समस्याएं हो तो उधर भी आ जा सकते हो आप। अच्छा हां, जिसको अगर समस्याएं हो, गुप्त रोग। तो भैया अभी हम खाना वाना इतना टेस्टी बना था पनीर की सब्जी, तो सब लोगों का पेट इतना फुल हो चुका था, तो छत पे आए हम सैर करने, तो बस सैर करते हैं। बाकी ये व्लॉग यहीं पे पहली एंडिंग तो हो ही गई थी। अभी तो हम बाहर आ चुके हैं, रात के कितने बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, तो 11:30 बज रहे हैं रात के। तो हम सारे भाई लोग बाहर आए हुए हैं, ऐसी नाइट आउट कर रहे हैं पैदल पैदल। मन कर रहा था कुछ ड्रिंक पीने जाएं, तो एप्पी फिश पीने जा रहे हैं हम। देखते हैं क्या मिलता है, कौन सी दुकान खुली हुई मिलती है, तो देखो और क्या हो सकता है।